Hey guys, I'm Ankita and welcome back to my channel. So today I'm gonna be doing this Terminator genisys makeup and it's my another face art makeup. And agar aapko mere baaki ke face art makeup bhi dekhne hain to aap dekh sakte hain. And main apne description box mein un videos ke link dal dungi, aap dekhna na bhule. And video agar aaj aapko achhi lage, entertaining lage, to please mere channel ko subscribe, like and apne doston and family ke saath share karna na bhule, kyunki ye bilkul free of cost hai. So main zyada time waste na karke aage badhna chahungi. So guys, as you can see, मैंने half portion पे अपने face पे इस तरह से कुछ sculpturing makeup किया है, जैसे कि robotic sculpturing होते हैं, and अपने एक eyebrow hide कर रखा है, क्योंकि मेरे को इस look के लिए अपना eyebrow hide करना है, and अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से किया, तो आप मेरे बाकी के videos देख सकते हैं, अब description box में आपको link मिल जाएगा. So सबसे पहले मेरे को robotic steel kind of face create करना है, तो मैं इस तरह से उस area को draw कर लूँगी, and उस सरफेस एरिया पे मैं इस तरह से सिल्वर फेस पेंट अप्लाई कर रही हूँ. एक क्राइलन का सिल्वर फेस पेंट है एंड मैं उस एरिया पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ पे मुझे स्टिल फेस क्रिएट करना है. सो एज़ यू कैन सी, मैंने इसको कम्प्लीटली फिल कर लिया है. बस अपने आईज़ एरिया पे मैंने सर्कल सा एरिया छोड़ा है, क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं उनके आईज़ बहुत डीप इन से होते हैं, डीप होता है, बहुत ब्लैकनेस सा दिखता है, एंड उसके अंदर उनके लेंसेस होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये ब्लैक शेड अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा आई एरिया भी काफ़ी डीप लगे. देन आई शेडो अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे काजल अपने इनर लाइंस पे, वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, अपर एंड लोअर दोनों पे, एंड अपने दूसरे आईज पे बहुत ही पतला स्ट्रोक्स लीक सा लाइन ड्रॉ कर रही हूँ अपने स्केच लाइनर की हेल्प से, ताकि मेरा आई थोड़ा ग्राफिक काइंड दिखे. एंड इधर मैं फिर से अपने स्टील फेस को क्रिएट करने के लिए उसके बाउंड्री में इस तरह से मैं आउटलाइनिंग कर रही हूँ अपने स्केच लाइनर की हेल्प से. सो मैं थोड़ा अभी मैसी वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में दोबारा इसको हाइलाइटिंग करना है. देन इसे आउटलाइनिंग करने के बाद मैं अपने स्टिल फेस के अंदर के कुछ स्कल्पचरिक ड्रॉ करूँगी, जैसे कि फेस में, रोबोटिक फेस में काफ़ी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे फेस में बोन्स होते हैं, उनके फेस में स्टील जॉइंट्स होते हैं, तो मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ अभी. लाइक मेरे आई एरिया में मैं कुछ सर्कल सा जॉइंट ड्रॉ करूँगी, एंड इस पर मैं कुछ स्क्रूज एंड नट बॉल्स इस तरह से ड्रॉ करूँगी ताकि मेरा फेस प्रॉपरली एक रोबोटिक शेप में दिख सके. एंड उसके बाद मैं अपने चीक बोन्स के एरिया पे भी थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगी ताकि मेरा फेस थोड़ा सा शार्प दिखे, एंड यहाँ पे कुछ नट बॉल्स ड्रॉ करूँगी. एंड इस जॉइंट्स के अंदर मैं इस तरह से छोटे छोटे स्क्रूज ड्रॉ कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे, जैसे कि रोबोट्स के होते हैं हर एक जॉइंट स्क्रूज से एकदम टाइट करे रहते हैं, एंड इसलिए मैं यहाँ पे ये स्क्रूज छोटे छोटे बना रही हूँ. सो इसके बाद मैं अपने स्किनी एरिया पे इस तरह से थोड़ा ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ. मैं यहाँ पे एसएफएक्स मेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल कलर्स यूज़ करके मेकअप कर रही हूँ, तो थोड़ा बर्न सा इफेक्ट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन को थोड़ा बर्नी इफेक्ट दिखाने के लिए. एंड इसमें थोड़ा सा पिंक शेड भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा बर्न होके स्किनी सा लुक दे सके, ये इफेक्ट दे सके, इसलिए मैं यहाँ पर पिंक शेड थोड़ा बहुत अप्लाई कर रही हूँ. देन इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत फेक ब्लर्स अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा बहुत और रियलिस्टिक लगे, एंड रियलिस्टिक दिखना बहुत ज़रूरी है इस लुक को, क्योंकि ये स्टील फेस दिख रहा है अपना फेस जो बर्न होके दिख रहा है इसलिए. एंड अपने लिप्स पे मैं थोड़ा शिमरी सा पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ ताकि स्टीली सा रोबो लिप्स लगे, एंड अपने फेस को थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रही हूँ. देन मैं यहाँ पे कुछ नट बॉल्स अप्लाई कर रही हूँ मेरे फेस पे, एंड मैं इसको अपने लैश ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ. देन मैं यहाँ पे डबल टेप यूज़ करूँगी एंड छोटा सा स्मॉल पीस कट करके अपनी आईलिड पे इसको अप्लाई कर रही हूँ पहले. देन मैंने जो DIY LED लाइट जो बनाया है मैं इसको इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी ताकि मेरा टर्मिनेटर जेनिसिस लुक कंप्लीट हो सके. सो गाइस,
ये है मेरा कंप्लीट टर्मिनेटर जेनिसिस मेकअप लुक. इट्स काइंड ऑफ रोबोटिक बर्नी रोबोटिक काइंड ऑफ मेकअप. एंड होप यू लाइक माय टुडेस वीडियो. एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस मेरे को नीचे कमेंट करके बताना ना भूले. एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूले. सो चल टेक केयर. बाय बाय.